किसी पिंजर को चट करने के मामले में ये गिद्ध इतने माहिर बताए जाते हैं कि सिर्फ 40 मिनट में किसी पूरे बैल को खत्म कर देते हैं। इस दावत का पता दूसरे मुर्दाखोरों को भी लग गया है और सबसे ज्यादा पोषक अंगों को पाने के लिए झगड़ा छिड़ जाता है। लाल सिर वाला एक गिद्ध किसी शिकार के अवशेषों की तलाश में उत्तर के निचले मैदानों के ऊपर उड़ान भर रहा है। इसके पंखों का फैलाव 2 मीटर से भी ज्यादा होता है और इनके कारण ये बिना खास ऊर्जा खपाए लगातार उड़ता रह सकता है। एक संभावित खुराक को देखकर इसे तेजी से नीचे आना होगा। सफेद पीठ वाले गिद्ध पहले ही इस शिकार के आसपास जमा हो चुके हैं। इनकी कद काठी भी लाल सिर वाले गिद्धों जैसी ही होती है, लेकिन अपनी पीठ पर मौजूद सफेद पंखों की वजह से इन्हें ये नाम मिला है। मुकाबला जबरदस्त है और वक्त इनके खिलाफ है। गिद्धों की कुछ प्रजातियां तो किसी पिंजर को करीब 5 किलोमीटर दूर से देख सकती हैं, इसलिए जल्द ही और गिद्ध भी यहां आ धमकेंगे। अब हालात बदल गए हैं। अपनी बड़ी संख्या और आक्रामक व्यवहार की वजह से लाल सिर वाले गिद्धों का पलड़ा भारी हो गया है। इस पिंजर का मांस खाने के कारण इनके गले में मौजूद ये थैले फैल गए हैं, जिनका इस्तेमाल ये अपनी खुराक को अस्थायी रूप से जमा करने के लिए करते हैं। कुछ गिद्ध अपनी खुराक लेकर यहां से 9, 2, 11 हो जाते हैं। एक ज्यादा बड़े प्रतिद्वंद्वी की नजर भी इस दावत पर पड़ जाती है। छरहरे गिद्ध यहां पहुंचने पर बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करते। ये सांप जैसी अपनी गर्दन का इस्तेमाल करके पिंजर में ज्यादा गहराई तक पहुंच जाता है। सफाई की बड़ी अहमियत है। बिना पंखों वाले सिर और पैरों की वजह से सूरज उनकी त्वचा पर चिपके मांस को सुखाकर इन्हें इन्फेक्शन से बचाता है। कुछ ही समय में यहां सिर्फ हड्डियों का एक ढेर ही बचता है।